वेलकम टू रोशी हयात किचन। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बनाना चॉकलेट केक। जी हाँ, चॉकलेट केक तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन क्या आपने कभी बनाना चॉकलेट केक को ट्राई किया है? अगर नहीं तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी होती है ये, और इतना सॉफ्ट केक बन के तैयार होता है कि आपको यकीन नहीं होगा कि इसमें आपने केला डाला है, केले का यूज़ किया है। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है ये, बहुत ही ज़बरदस्त केक बन के तैयार होता है ये। बेहद मॉइस्ट होता है, बेहद सॉफ्ट होता है, और खाने में इतना टेस्टी होता है कि जब आप इसको एक बार बनाएंगे तो बार बार आपका बनाने का दिल करेगा, क्योंकि बेहद मज़ेदार चॉकलेट केक बन के तैयार होता है। तो चलिए बिना देरी किए इस बनाना चॉकलेट केक को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो इस चॉकलेट केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो केले का यूज़ किया है। मैंने यहाँ पर पके हुए केले लिए हैं। जी हाँ, यहाँ पर थोड़े कच्चे केले का यूज़ मत कीजिए, क्योंकि जितने पके हुए केले होंगे केक हमारा उतना ही अच्छा बनेगा। अब इसके जो केले हैं इसको हम अच्छे से इसको छील लेंगे हम। देखिए, केलों को हमने छील लिया है। अब इसको हमें इसका पेस्ट बनाना है, तो इसके छोटे छोटे टुकड़े करके हमें मिक्सी के जार में डाल देंगे। तो देखिए, दोनों केलों को हमने इसमें छोटे टुकड़े करके डाल दिया है इसकी प्यूरी बनाने के लिए। और अब इसमें हम डालेंगे चीनी। तो मैंने यहाँ पर आधा कप चीनी का यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी को कम या थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन इतनी चीनी सफिशेंट है इसके लिए। और अब इसमें हम डालेंगे एक टीस्पून वनीला एसेंस, लेकिन अगर आपके पास वनीला एक्सट्रैक्ट है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और अब इन सब चीज़ों को हमें प्यूरी बना लेनी है। तो देखिए, ये प्यूरी बनके तैयार हो गई है, इसका बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लिया है हमने। और अब इसमें हम डालेंगे 1/3 कप ऑयल का यूज़ करेंगे, यानी 1/3 कप तेल का यूज़ करेंगे हम। तेल यहाँ पर बिना फ्लेवर वाला आप लीजिए। और इस तेल को भी हम इस प्यूरी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए, तेल भी इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है। और अब इसको हम कर लेंगे एक बोल में ट्रांसफ़र। देखिए, इसको हमने बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स, जिसमें मैंने लिया है 1 कप मैंने मैदे का यूज़ किया है। आप नाप के लिए कोई भी 1 कप या बोल सेट कर लीजिए, उसी से सारा मेजरिंग कीजिए। और 1/4 कप हम लेंगे कोको पाउडर, ये मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाता है और अनस्वीटेड है ये। और अब इसमें हम डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा का यूज़ करेंगे, जिसे हम खाने वाला सोडा भी बोलते हैं। और 1 छोटा चम्मच हम डालेंगे बेकिंग पाउडर। और अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से छान लेंगे। इसको छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिसके छानने से मोटे मोटे जो भी पार्टिकल होते हैं वो सारे अलग निकल जाते हैं। और अब इन सब चीज़ों को बहुत ही हम हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। हमें इसे कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स करना है। बहुत तेज़ हाथों से इसे मिक्स मत कीजिए, बहुत ही स्लोली स्लोली से इसको मिक्स करना है हमें। देखिए इस तरह से, ये देखिए सारी चीज़ें इसमें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। और अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच विनेगर का यूज़ करेंगे, यानी सफ़ेद वाला जो सिरका होता है ना, उसका हमें यूज़ करना है। इसके डालने से केक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। यहाँ पर हमने अंडों का यूज़ नहीं किया है, उसी को हमने सिरके से रिप्लेस किया है। और सिरके को भी हम इस बैटर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक है, तो इसको एडजस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर 1/2 कप दूध का यूज़ किया है। ये नॉर्मल टेम्परेचर पर लिया है मैंने। और इसमें थोड़ा थोड़ा दूध करके हम इसमें मिक्स करेंगे। सारा दूध को इसमें एक साथ मिक्स मत करिए, बस थोड़ा थोड़ा इसमें मिक्स करते रहिए। और इसको इस तरह से मिक्स करें आप, बहुत हल्के हाथों से मिक्स करना है हमें। और देखिए, इस तरह से मैंने 2-3 बार में सारे दूध को मिक्स कर लिया है। और देखिए, बाद में जो थोड़ा सा बच गया था उसको भी हम इस बैटर के अंदर डाल देंगे और इसको भी मिक्स करेंगे। और देखिए, सारे दूध को इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया हमने। और आप इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, इसको हमें इस तरह से चाहिए जितना एक बैटर हो वो रिबन होता है, बिल्कुल इस कंसिस्टेंसी में ये नीचे गिरना चाहिए। देखिए, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं हो ये, और बहुत ज़्यादा काढ़ा भी नहीं होना चाहिए, एकदम थिक भी नहीं होना चाहिए।
और अब इसमें हम डाल देंगे डार्क चॉकलेट कंपाउंड जो होता है, डार्क चॉकलेट होती है, उसका हमने 3 टेबल स्पून उसकी शेविंग ले ली है। यानी हमने डार्क चॉकलेट ली, उसको हमने अच्छे उसको या तो आप उसको ग्रेट कर लीजिए, या उसको जो पिलर होता है आलू छीलने वाला उसको इस तरह से आप उसको पील कर लीजिए, तो ये इस तरह से उसकी शेविंग निकल आती है। और इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें, क्योंकि इसके डालने से भी टेक्सचर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। और अब इधर लिया है हमने एक स्टीमर, क्योंकि हम इसको स्टीम करना है, हम यहाँ पर इसको ओवन में स्टीम नहीं करेंगे, स्टीमर में करेंगे। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप यहाँ पर कोई भी प्रेशर कुकर का या कढ़ाई का किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब इसमें हम डाल देंगे नीचे नमक, यहाँ पर मैंने वही नमक का यूज़ किया, इसको मैं पहले भी 2-3 बार यूज़ कर चुकी हूँ। और अब इसमें रख देंगे हम स्टीमर की जो प्लेट होती है ना, वो वाली प्लेट हम रख देंगे, इसको अच्छे से फिक्स कर देंगे। और अब इसको हम कवर करके रख देंगे हाई फ्लेम पर तकरीबन 5 मिनट के लिए, जैसे ये अवन का काम करेगा। और जब तक ये प्रीहीट होता है, हम यहाँ पर इसको तैयार कर लेते हैं इसका, जिसमें हम केक बनाएंगे। मैंने यहाँ पर एक ऐसा मोल्ड ले लिया है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर स्टील का भी कोई भी बर्तन ले सकते हैं जिसमें आपको केक बनाना है। और इसको अब हम अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे चारों तरफ से। और इसके बाद में मैंने इसके ऊपर रख दिया है बटर पेपर, और बटर पेपर को भी मैंने ग्रीस कर लिया है ऑयल से बहुत अच्छे से। और अब इसमें हमने डाल दिया है सारा बैटर जो हमने केक का बना के रखा था, और इसको हल्के हाथों से हम ऐसे टैप कर लेंगे जिससे इसके अंदर जो भी एयर बबल्स होंगे वो सारे निकल जाएंगे। और अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी डाल देंगे डार्क चॉकलेट जो, और देखिए 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, स्टीमर हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। अब जो हमने एक मोल्ड लिया था ना जिसमें हमने केक का बैटर डाला था, उसको हम इसमें रख देंगे और इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 40 मिनट के लिए। फ्लेम हम रखेंगे मीडियम टू लो के बीच में, और उसको इसी तरह से हम बेक होने देंगे। इसको आप 35 मिनट के बाद में एक बार चेक ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अपने अपनी फ्लेम का और गैस का टाइम अलग होता है। 35 मिनट के बाद में आप इसको एक बार चेक करके ज़रूर देखना, जिससे आपका केक जल नहीं जाए। और देखिए मैंने इसको 40 मिनट के बाद में इसका कवर हटा दिया है, और मैं इसको अब चेक करूँगी एक टूथपिक से, और ये देख लिए बिल्कुल क्लीन निकली है टूथपिक हमारी। इसका मतलब केक बनके हमारा तैयार हो गया है। और अब इसको हम निकाल लेंगे बाहर, और इसको हम होने देंगे थोड़ा सा ठंडा, क्योंकि ये अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। ये देखिए केक हमारा थोड़ा ठंडा हो चुका है। और अब हम लेंगे एक शार्प नाइफ, और उसको इस तरह से इसके किनारों को हम अलग कर लेंगे। वैसे ही ठंडा होने के बाद में पूरी तरह से किनारों को छोड़ देता है ये। और अब हम लेंगे एक प्लेट, और इसको इस तरह से उल्टा करके हम इस पर हल्के हाथों से टैप करेंगे, जिससे केक हमारा बहुत ही इजीली निकल जाएगा। और अब इसके ऊपर जो बेकिंग बटर पेपर हमने लगाया था ना, उसको हम हटा देंगे, और देखिए कितनी आसानी से बटर पेपर इसमें से हट गया है। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त केक बनके हमारा तैयार हुआ है। आप देख रहे हैं कितना सॉफ्ट केक है ये, देखिए कितना स्पंजी केक बनके तैयार हुआ है ये। और खाने में तो इसका कोई टेस्ट ही नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त केक बना है ये, और बच्चों को तो ये बेहद पसंद आता है। और कलर देखिए आप, इसका टेक्सचर देखिए कितना ज़बरदस्त है ये। और मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ, कट करने से ही आपको पता लग रहा होगा ये कितना सॉफ्ट है ये। और ये देखिए कितना स्पंजी केक बनके तैयार हुआ है, आ गया ना मुँह में पानी, बहुत ही ज़बरदस्त केक है ये। उसकी आप देखिए कितनी फिनिशिंग है, कितनी बढ़िया केक बन के तैयार हुआ है। लेकिन ये अभी थोड़ा सा गर्म है, जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तो बहुत ही मज़े का लगेगा। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। और जो बच्चे केले को खाना पसंद नहीं करते हैं, वो इस तरह से केले को खा भी लेंगे, क्योंकि केक तो सबको बहुत ही पसंद होता है, सारे बच्चों को बहुत पसंद होता है। और जब चॉकलेट केक की बात आती है तो बच्चे अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, बहुत ही मज़े का लगता है ये चॉकलेट केक। तो मैं इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए, और मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे जो थम्स अप का बटन है उस पर क्लिक कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ वाला रेड बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और इसके साथ ही बेल आइकन के बटन पे भी क्लिक कीजिए, और साथ में ऑल के ऑप्शन पे भी क्लिक कीजिए। ऐसा करने से मेरे वीडियो से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलेगा, और ये बिल्कुल फ्री है। मेरे वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, दुआओं में याद रखें, अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अल्लाह हाफिज़।